हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए मैं आप सभी को हैदराबाद घुमाता हूं और मैं निकल पड़ा हूं ओल्ड सिटी की तरफ, जहां पर चार मीनार है जो कि हैदराबाद का आन बान और शान है। हैदराबाद और घूमने आ रहे हैं तो चार मीनार को घूमना मत भूलिएगा। और मैं जिस एरिया से अभी गुजर रहा हूं, अब कबूतरों को देख सकते हैं। और ये जगह बहुत ही पुराना जगह है और ये बहुत ही एक फेमस ओल्ड यूनिवर्सिटी है। निजाम के टाइम का ये यूनिवर्सिटी माना जाता है। ये यूनिवर्सिटी का नाम है ओस्मानिया यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे तेलुगु मूवीज़ का भी शूटिंग हुआ है। इस यूनिवर्सिटी बहुत ही एरिया में फैला हुआ है, चारों तरफ ग्रीनरी आप देख सकते हैं। तेलुगु मूवी द कमरेड स्टारिंग नया था, कॉलेज वाले सीन्स वगैरह यहीं पर किए जाते हैं। यूनिवर्सिटी के एग्जिट के गेट के पास हम लोगों ने समोसा ट्राई किया, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट वाला समोसा मिला। और इस वाले मौसम में गर्मा गर्म समोसे और चाय हो जाए तो बात ही कुछ अलग है। इसी के साथ साथ हम लोग अपने सफ़र को जारी रखते हैं और हम लोग आ पहुंचे हैं चार मीनार के आसपास। ये आप देख सकते होंगे, ये है हाई कोर्ट जो कि अभी दो स्टेट को कवर करता है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और ये है चार मीनार का गलियाँ, आप देख सकते होंगे चार मीनार को। यहाँ पर बहुत ही बड़ा भीड़ रहता है। अब अगर संडे और छुट्टियों के दिन आते हैं तो यहाँ शॉपिंग के लिए बहुत ही भीड़ रहता है। इस बाज़ार में बहुत सारे चूड़ियाँ वगैरह मिलते हैं, इसको लाड बाज़ार भी कहा जाता है। बहुत वैरायटी के चूड़ियाँ वगैरह आपको मिल जाएंगे इस बाज़ार में। यहाँ से भी आप अगर पैदल आ रहे हैं तो जा सकते हैं चार मीनार की तरफ। यहाँ पर इतना पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, आपको पीछे से आना पड़ेगा। तो आप चार मीनार की खूबसूरती यहीं से देख सकते हैं, कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है चार मीनार। चार मीनार को बनाए थे सुल्तान मोहम्मद काली कुतुब शाह, 1591 यानी कि 1591 ईयर में बनाया गया था। ये इमारत बनने के बाद इसके आसपास बड़े बड़े मार्केट बनने लगे। ये एक ऐसा शाही इलाका था जहाँ पर लोगों का चहल पहल लगा रहता था। ये जो बाज़ार मैंने जैसे कि बोला चूड़ियों के लिए फेमस लाड बाज़ार है। और ये पत्थर घाटी एरिया भी पास में है जहाँ पर बहुत सारे अच्छे कपड़े वगैरह मिलते हैं। और पर्ल्स के लिए भी ये जगह बहुत फेमस है, यहाँ पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड पर्ल्स शॉप्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। हैदराबाद पर्ल सेंटर के लिए भी बहुत फेमस है और यहाँ पर ओरिजिनल क्वालिटी के पर्ल्स वगैरह भी मिलते हैं। ये शॉपिंग करने के लिए एक बेहतरीन जगह है, कपड़े हो या चूड़ी हो या जूते हो या कोई अतर हो या पल्स हो, इस सब चीज़ आपको बहुत अच्छे रेट पर यहाँ मिलते हैं। इस इमारत को बनाने के कई कारण मालूम पड़ते हैं। इसको बनाने के पीछे का एक प्रमुख कारण यह है कि हैदराबाद में तब प्लेग बहुत फैला हुआ था। इस प्लेग बीमारी की अंत का एक प्रतीक के रूप में इस स्मारक को बनाया गया था। और ये भी कहा जाता है कि कुतुब शाही डायनेस्टी का कैपिटल जो कि गोलकुंडा में हुआ करता था, उसको वहाँ से स्थानांतर करके हैदराबाद यानी कि चार मीनार पर लाया गया था, उसके प्रतीक के रूप में भी इसी को बनाया गया था। तो इसके आसपास में आपको एक बहुत बड़ा मस्जिद भी मिल जाएगा, उस मस्जिद का नाम मेका मस्जिद है। वो बहुत ही एक रिलीजियस प्लेस है। तो चलिए इसके आसपास के एरिया घूमते हैं। और हैदराबाद ओल्ड सिटी, यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए भी बहुत वैरायटी मिल जाएंगे। यहाँ पर ईरानी चाय और ओस्मानिया बिस्किट ट्राई करना मत भूलिएगा। इसके बिल्कुल पीछे आपको निमरा केफ जहाँ पे आप ये ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ से बस पैदल के डिस्टेंस में ही सदाब और नयाब होटल है जहाँ पर आप बिरयानी भी ट्राई कर सकते हैं। ये दो होटल बिरयानी के लिए हैदराबाद में काफ़ी फेमस हैं। चार मीनार एक वर्गाकार क्षेत्र का आर्किटेक्चर है और ये चारों साइड पे चारों द्वार ऐसे देखने को मिलते हैं। चारों द्वार की जो एंट्रेंस है, यहाँ पर इंडिया और पर्शियन आर्किटेक्चर का एक मिश्रित आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। इस चारों द्वार पर जो दिखाए गए हैं चारों मेन पिलर्स जिसको मीनार बोला जाता है, इस मीनार का उच्चता लगभग 20 मीटर तक है।
और इस एक मीनार के जरिए से आप चढ़ के ऊपर जा सकते हैं। चार मीनार लगभग 4 फ्लोर का एक स्ट्रक्चर है। ऊपर जाने के लिए आपको टिकट का भी बंदोबस्त किया गया है, लगभग 20 रुपया लगता है टिकट का कॉस्ट, और 149 सीढ़ी चढ़ के आप ऊपर जा सकते हैं। थोड़ा कंजस्टेड है, आप मोबाइल का टॉर्च ऑन करके जा सकते हैं। ऊपरी भाग में आपको एक मॉस्क देखने को मिलेगा जो कि पश्चिम के साइड है, और लोग यहाँ पर प्रेयर देने के लिए भी आते हैं। ये लंबा लाइन आप देख सकते हैं, लोग जो ऊपर चढ़कर जाना चाहते हैं। ऊपर से बहुत ही बेहतरीन नज़ारा दिखता है, पूरे हैदराबाद सिटी का दूर तक बहुत ही बेहतरीन व्यू दिखता है। चार मीनार के पश्चिम भाग में मक्का मस्जिद है। मस्जिद को पश्चिम में करने का एक कल्चरल रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है। जो लोग मक्का और मदीना की हज करने के लिए जाते हैं वो यहाँ आके माथा टेकते हैं और अपना सफ़र को पश्चिम की ओर रवाना करते हैं। ये दोनों जो रिलीजियस प्लेस होते हैं, मुस्लिम रिलीजन के बहुत ही होली प्लेस माने जाते हैं मक्का और मदीना, ये पश्चिम भाग में स्थित हैं, इसलिए ये दोनों मस्जिद को पश्चिम में बनाया गया। चार मीनार के ऊपरी भाग में जो मस्जिद है और चार मीनार के बाहरी भाग में पश्चिम की दिशा में भी मस्जिद है। ये वाले शॉप में बहुत वैरायटी फ्रूट्स के ऐसे फ्रूट पंचेस मिलते हैं, बहुत ही टेस्टी लगा। हम लोगों ने लीची वाला ये फ्लेवर ट्राई किया, इसमें ब्लूबेरी भी देख सकते हैं। यहाँ पर राबड़ी को भी फ्रूट्स में मिक्स करके सर्व करते हैं, वो टेस्टी बहुत ही यूनिक और लाजवाब का है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। चार मीनार के आसपास ऐसे आपको बहुत सारे शॉप मिल जाएंगे। हम लोगों ने जिस शॉप से ट्राई किया था उसका नाम आपको देखने को मिल जाएगा। के साथ घूम घूम कर अभी शाम ढलने को आया है, चलिए हम लोग निकलते हैं, अभी भीड़ और भी बढ़ने वाला है। चार मीनार का घूमना हमारा ख़त्म हुआ, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी लोग दुकान वगैरह लगा रहे हैं रोड पर, जैसे ही पुलिस का गाड़ी देखते हैं वो पीछे कर देते हैं। यहाँ ज़बरदस्त भीड़ होती है, शाम को लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए। चलिए हम लोग अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। आज का मौसम बहुत ही बढ़िया था, घूमने में बहुत मज़ा आया। संडे का टाइम है और बहुत ही भीड़ लगा रहता है। यहाँ पर पान के दुकान भी मिल जाएंगे, फ्रेश वाला पान। ये पान में ज़्यादा कुछ डालते नहीं हैं, थोड़ा बहुत ऐसे मसाला डाल के पान को बेचते हैं। चलिए चार मीनार से विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बने रहिए हमारे चैनल में और हमारे साथ। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इसी के साथ विदा लेते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।